तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें कैरी मिनाटी एंड रजत दलाल के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा ना, कैरी मिनाटी एंड रजत दलाल के बीच में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। तो भाई जो कैरी मिनाटी का रिसेंट वीडियो आया ना, उसमें कैरी मिनाटी ने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था रजत दलाल को। तो भाई ये वाली चीज ना रजत दलाल को ठीक नहीं लगी थी। तो रजत दलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील डाली और कैरी मिनाटी को कुछ गालियां वगैरह देते हुए उन्होंने बोला कि मेरे वाला वीडियो का पार्ट उसमें से कट कर दीजिए ना। भाई कैरी मिनाटी ने भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए रजत दलाल को सॉरी बोला और वो अपने वीडियो से उन्होंने रजत दलाल वाला पार्ट भी कट कर दिया ना। लेकिन भाई इसके बाद भी रजत दलाल को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था और उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। तो भाई रजत दलाल इन सभी हेट्स एंड ट्रोल्स का रिप्लाई दिया आज अपने इंस्टाग्राम पर वाली रील अपलोड करते हुए, वो आप खुद देख लीजिए ना। तो भाई कैसे हैं सब? दो दिन से देखा होगा कि कुछ ना कुछ चीज चल रही है इंस्टाग्राम पे। थोड़ा तो मैं मजा कम आया हुआ क्योंकि मैंने रिस्पॉन्ड थोड़ा कम करा है। कई जगह ना मैंने एक चीज देखी कि रजत पे ना एक रोस्ट नहीं लिया गया, एक मजाक नहीं झेला। तो मेरे भाई दो तरह की ऑडियंस होती है, एक जो फेवर में बोलती है, एक जो अगेंस्ट बोलती है। अगेंस्ट वाली चीजें सबकी चलती है, मेरी भी चल रही है, पर मैंने कभी रिस्पॉन्ड उस पर कुछ करा नहीं। कैरी को इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ ये चीज समझनी चाहिए कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी को डिफेम कर रहा है वो इंसान को है। आपने एक शब्द यूज करा चपरी, 3 महीने की कंट्रोवर्सी से आपने कंटेंट उठा लिया आपके मसाले के लिए जो काम करता। आपने पीछे जाके ये नहीं देखा कि 10 साल से एक इंसान काम क्या कर रहा है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। एक सीडी वाइज चीज बता रहा हूं, मेरी पहली पोस्ट ना 12 इंटरनेशनल मेडल है। 4 महीने में मैं भी एक बहुत जबरदस्त रोस्ट बना सकता हूं, बहुत जबरदस्त, जो बढ़िया चलेगा और वो भी आपके ऊपर। आप 4 साल में इंटरनेशनल स्टेज पर पैर नहीं रख सकते। और चलो जुगाड़बाजी से अगर पैर रख भी दिया तो भाई बकचोदी से ना, बकलोली करने से ना अवार्ड मिलते हैं, मेडल नहीं मिलते। मैं बहुत जगह देखता हूं कि लोग सोचते हैं कि एक एथलीट अगर ऑडियंस वाइज बड़ा नहीं है ना तो उसकी गांड मार लो। बहुत जगह देखता हूं बहुत यूट्यूबर बकचोदी कर रहे होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर बहुत बायो मैकेनिक्स के चोदे कमियां निकाल रहे होते हैं। भाई हमारे पास ऑडियंस बेशक कम हो पर हमारी गांड में ना बहुत दम होता है, विल पावर। एक बार चीज ठान ली ना तो ठान ली। तो आगे से कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार आप देख लेना बोल क्या रहे हो। और एक चीज आई थी कि रिक्वेस्ट भाई अगले दिन तक थी, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया था और ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से आपने मैच्योरली बहुत अच्छे से सही ऑप्शन चूज करा। कुछ लोगों ने बोला ना भाई ने मैच्योरली बिहेव करा, फेम नहीं देने की कोशिश करी, तो ये इतना बड़ा भी हुआ नहीं है कि मैं इससे फेम चूसूंगा। करना होता ना तो फिल्म बना के खूब बढ़िया फेम भी ले लेता। तो भाई 10 साल 12 साल से जो तुम्हारा भाई मैच्योर नहीं हुआ था, भाई ने उसको मैच्योर कर दिया। शायद पहली बार ही सॉरी बोला है ऐसा सुनने में आया है। मेरा कोई मन नहीं है, विचार नहीं है इसको डिफेम करने का, क्योंकि कोई भी लायक आदमी ना आउट ऑफ नो वेयर फॉर नो फकिंग रीजन किसी को डिफेम नहीं करता। कॉन्ट्रोवर्सीज होती है वो किसी रीजन की वजह से होती है, आउट ऑफ नो वेयर नहीं होती। जो चूतिया होते हैं ना और जो गांडू होते हैं, जिनकी गांड में खड़ा बाल होता है ना, उनको आदत होती है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी को डिफेम करने की। खैर ऑडियंस को वो चीज मजेदार लगती है तो लगती रहे। तुम्हारे ओपिनियन मेरे बारे में मेरे लोड़े में है तुम्हारे ओपिनियन कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मेरे लिए मायने ये रखता है मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं और मैं मेरे बारे में सही सोचता हूं। तो जो भी चीज थी सबने सामने देख ली, सॉरी भी आ गई, वीडियो भी ट्रिम हो गई। तो मेरे को फिलहाल किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई को मैंने मैच्योर भी कर दिया है, इनकी रिक्वेस्ट वाली चीज ऑर्डर और ऑप्शन भी बता दी है, इतना ही है बस और क्या है। और माइटी राजू नेचुरल नहीं है, एनाबॉलिक है। और अगर अभी भी किसी को बहम हो ना तो बता देना। अगर मेरे पे या मेरे किसी एथलीट भाई पे तुमने कोई रोस्ट बनाया या तेरे किसी भाई ने रोस्ट बनाया तो अभी हमने प्यार से बात करी है, मैंने अगली बार हाथ देके बात करेंगे। और अगर किसी को बहम हो तो मिटवा लेना, हम कंपिटेटिवली आपस में कितना भी लड़ सकते हैं, पर हमें और तुम्हें अगर बहम सही में अब भी हो ना तो एक स्टोरी डाल दो, ही चीची सार्कास्म दिखा दो, ह्यूमर दिखा दो, ऐसे गांड में हाथ में चढ़ा दो। 20 से लेकर 120 तक तेरी हार्ट बीट खा लेगी जानी है तुम जैसों की, वो मेरे हाथ में। तो भाई आज के लिए इतना है, जिसको बकचोदी करनी है करो, अपने साथ वालों के साथ करो। थोड़ा वो सीखो ये चीज ना कि थप्पड़ ना गाल देख के मारा जाता है, वहां थप्पड़ भी मारा जाता है जहां सामने से माथे पे गोली है। तो ये कहावत है, बस कहावत बोल रहा हूं। तो अभी औकात में रहना स्टार्ट करो, बच्चा मैच्योर हो चुका है, बच्चा बड़ा हो गया है, आज तक बच्चा मैच्योर नहीं हुआ था, 12 साल बाद मैंने कहा।
तो बस इतना है, मेरे को किसी से कोई बैर नहीं है, और किसी को बिठाना हो तो खुले में बता देना, हम दिखा देंगे बैर क्या होता है। ख्याल रखिए।